Hello friends, welcome to my channel Easy Busy. It's me Shudipta. Thank you for watching my channel. After long time मैं अपनी channel पे face to face आई हूँ क्योंकि long time मैं बहुत तबीयत ख़राब था मेरी तो मुझे fever भी था तो मुझसे हो नहीं पाया मैं चाहकर भी मैं सामने आ नहीं पाई कैमरे के तो बहुत ज़्यादा बीमार भी थी मैं तो let's back to the video तो आप लोग शायद अच्छे होंगे How are you all? So, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो आज मैं जो करने वाली हूँ वो है ओलिविया का मैंने इससे पहले जो पैनकेक है उसका मैंने अपडेट दिया था कि पैनकेक का क्वालिटी के ऊपर पैनकेक के ऊपर वो बहुत अच्छा है इसके ऊपर मैंने रिव्यू दिया था तो आज जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ओलिविया का जो पैन स्टिक है उसके ऊपर सो इट्स रियली नाइस मैंने इसको यूज़ किया हुआ है क्योंकि किसी भी चीज़ की मैं मानती हूँ अगर मैं रिव्यू देती हूँ तो मुझे एक फुल प्रूफ यूज़ करने के बाद मुझे देनी चाहिए तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया एक दो दिन तक इसे यूज़ किया है मैंने ख़रीदने के बाद और मुझे इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा तो इसको सोचा मैंने कि आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ कि ये कैसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ऐसा पैकेजिंग आता है इसका प्राइस है 120 रुपीज़ मुझे मिला 115 रुपीज़ पे 5 रुपी का एक लिटिल डिस्काउंट मिला है इसका काफ़ी एक नॉर्मल हार्डी सा बॉक्स है काफ़ी इम्प्रेसिव है अच्छा है दिखने में एंड माई शेड नंबर इज़ 06 एंड इट्स पीच रोज़ सो मेरा डस्की स्किन है तो मैंने डस्की स्किन के हिसाब से ये लिया है तो लेट्स सी हाउ इट इज़ एक्चुअली तो अगर आप इसे ओपन करते हो तो आपको ये पेन स्टिक के साथ साथ एक कार्ड मिलेगा लाइक दिस बॉक्स के अंदर तो इट्स कार्ड इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हाँ इसे कैसे यूज़ करना है ये इसका कवरेज कैसा है इसका क्वालिटी कैसा है इसका टेक्सचर कैसा है इसके बारे में इसको यूज़ कैसे करना है अपने फिंगर टिप को यूज़ करते हुए एक यूज़र मैनुअल कह सकते हैं आप इसमें दिया हुआ है सो इट्स नाइस नॉट बैड इतना कम रेंज में एक मेकअप प्रोडक्ट उसके साथ यूज़र मैनुअल कुछ इम्पॉसिबल सा हो जाता है कभी कभी तो दिस इज़ अ प्रोडक्ट एक्चुअली तो अभी क्या करना है इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको इस तरह से एक व्हील मिलेगा जिससे आप घुमाएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बाहर आएगा तो मैंने इसको अंदर ही रखा है क्योंकि ये काफ़ी फिंगर से लेने के लिए आसान हो जाता है तो इट्स अ नाइस क्रीमी टेक्सचर लेट्स सी इसे अप्लाई कैसे करते हैं तो इसे मैं अपनी अंडर आई एरिया में क्योंकि ये एक पैन स्टिक है जिसे हम लोग एज अ कंसीलर यूज़ करते हैं तो मैं इसीलिए जो हाईलाइटिंग पोर्शन है वही वही पे अप्लाई कर रही हूँ उसके बाद मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ मेरा थोड़ा स्पॉट्स है यहाँ पे तो मैं स्पॉट्स पे अप्लाई थोड़ा सा कर रही हूँ बाकी मैं अपनी फोरहेड पे जिन लोगों का ज़्यादा चौड़ा फोरहेड है तो उन लोग को मैं कहूँगी कि एक लाइन और एक्स्ट्रा लगा लें मैं 2 लाइन लगा रही हूँ आप 3 लाइन लगाएं उसके बाद आपको इसे क्या करना है अपने फिंगर टिप से इससे इस तरह से मसाज करते हुए मिक्स कर लेना है ये मेरा तरीका है दोस्तों किसी को ये गलत लग सकता है अजीब लग सकता है तो अगर आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है तब उसे ही अप्लाई करें तो मैं इस तरह से मेरे लिए जो मेरे स्किन टोन मेरा जो पिगमेंटेशन है स्किन में तो उस हिसाब से मैं इस तरह से ही अप्लाई करती हूँ तो ये काफी इजी टू ब्लेंड है दोस्तों अगर आप सिर्फ अपनी क्लीन फेस पे मॉइस्चराइज फेस पे सिर्फ इसे अप्लाई करते हो एंड देन आप थोड़ा सा अगर फेस पाउडर या फिर आपका कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऊपर लाइटली लगा लेते हो तो ये रेगुलर यूज़ के लिए रेगुलर बेसिक यूज़ के लिए काफ़ी इजी और अच्छा रहता है क्योंकि इसका जो बेस्ट पार्ट है ये बहुत देर तक लास्ट लॉन्ग करता है बहुत देर तक लास्ट लॉन्ग होता है स्किन बहुत अच्छे से इसे अब्जॉर्ब कर लेता है आप लोग पास से देख सकते हो स्किन में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया है मेरे स्किन पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं है अलग से लगा हुआ है तो अभी मैं क्या कर रही हूँ मेरे पास जो अपना फेस पाउडर है मैं एक मेकअप ब्रश के यूज से फेस पे जस्ट ब्रश अप कर रही हूँ एंड यू आर गुड टू गो टू आउट एक्चुअली आप बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रेडी हो और ये जो प्रोसेस है मेरा स्किन कुछ ज़्यादा ही ऑयली और ज़्यादा ही रिएक्शन भरा हुआ है मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है मेरा स्किन
तो मैंने इस तरीके से अगर बाहर निकल चुकी हूँ मैं 2-3 दिन, तो आराम से 3-4 घंटे के लिए सेट रहता है फेस पे, कोई तकलीफ नहीं देता है। बेस्ट पार्ट है इसका जो क्रीमीनेस है वो विद इन 2-3 मिनट्स स्किन में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है। और सामने विंटर आ रहा है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही नहीं, ऊपर से बहुत अच्छा रहेगा स्किन के लिए। तो मेरे लिए ओलिविया को एक बिग थम्स अप, मुझे बहुत अच्छा लगा इसे यूज़ करते हुए। मुझे ये ब्रांड ही काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली। मुझे भी यूट्यूब के दौरान ही पता चला था ओलिविया का जो पैनकेक है उसके बारे में, ये वाला प्रोडक्ट, ये भी बहुत अच्छा एक मैजिकल प्रोडक्ट है। स्किन में लगाओ तो एक अलग सा शाइन आता है, एक अलग सा एक स्किन में एक ग्लो आता है, ऊपर से मेकअप बिल्कुल भी हटता नहीं है, बिल्कुल टिका रहता है। सो इट्स अ बिग थम्स अप टू टीम ओलिविया, आप लोगों का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, इतने कम रेंज में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो थैंक्स फॉर दिस प्रोडक्ट। सो फॉर दिस पैन स्टिक आई विल से दिस इज अ बिग, देयर इज अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड एक्चुअली फ्रॉम टीम इजी बीजी, बिकॉज ये बहुत अच्छा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आप लोग आराम से इसे खरीद सकते हो, ये काफ़ी आसपास के दुकान में आराम से मिल जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से मिल भी जाता है और आप आराम से इसको खरीद भी सकते हो। ऊपर से 2-3 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता है, मुझे 5 रुपये का डिस्काउंट मिला, आपको शायद 10 रुपये का भी मिल जा सकता है। तो लोकल ब्रांड है लेकिन काफ़ी अच्छा है, ये बीट कर सकता है कोई भी अच्छे अच्छे ब्रांड को। सो That's all for today. I'll see you soon on my next video. So this is a really good product. अगर आपको मिल जाता है तो इसे ज़रूर यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ यूज़ दिस ओलिविया पैन स्टिक।